हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है द लास्ट लेसन, जो कि आपकी क्लास ट्वेल्थ की फ्लेमिंगो बुक से ली गई है। और इससे पहले मैं आपको स्टोरी डिस्कस करूँ, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूँ, आपको थोड़ा सा राइटर के बारे में बताना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी एक्चुअल में किस कंटेक्स में लिखी गई है। तो जैसा कि अल्फोंसो डोडेट के बारे में बताया गया कि वो 1840 टू 1897 तक उनका जो लाइफ स्पैन था, ही वॉज़ ए फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर। और जो लास्ट लेसन है वो एक ऐसे टाइम पीरियड में लिखी गई है जो फ्रेंको प्रशियन वॉर हुई थी 1870 टू 71 के बीच में, और यहाँ पर फ्रांस वो हार चुका था प्रशिया के हाथों। प्रशिया का मतलब है जर्मनी, लेड बाय बिस्मार्क, जिसको लीड कर रहे थे बिस्मार्क। तो प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट यू नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, सो पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस टाइम प्रशिया में ये तीनों कंट्री का कुछ ना कुछ हिस्सा था, यानी इन तीनों कंट्री को मिलकर प्रशिया बना हुआ था। सो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑल्सेस एंड लॉरेन दे हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, एंड रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। अब देखिए, जब फ्रांस की दो स्टेट प्रशिया के कब्जे में आ गई, तो अब हमें इस स्टोरी में ये जानना है कि एक्चुअल में उस टाइम हुआ क्या था, उसका इफेक्ट क्या हुआ। सो लेट्स गो और देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें एम हेमल जो कि एक टीचर हैं, और साथ में फ्रेंड जो कि एक स्कूल बॉय है। तो ये स्टोरी इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली वर्डिंग है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स की तरफ से लिखी गई। वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फ्रेंड्स जो है वो कहना चाहता है कि मैं स्कूल के लिए निकला बहुत लेट हो गया था, वेरी लेट दैट मॉर्निंग, एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग। ड्रेड क्या होता है? फियर। और स्कॉल्डिंग होती है डांट। कहता है मुझे बहुत डर लग रहा था। और किस बात का डर लग रहा था? बिकॉज एम हेमल जो कि उनके टीचर थे हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं मालूम था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कहता है एक पल के लिए मुझे लगा कि मुझे अपना दिन जो है बाहर ही बिताना चाहिए, मैं आज स्कूल जाऊंगा ही नहीं। इट वॉज सो वार्म, कहते हैं इतना वार्म था, इतना ब्राइट दिन था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, और अगर मैं देखूं जो बर्ड्स हैं वो जंगल में उनके किनारे पे कहीं ना कहीं उनकी चर्पिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और अगर मैं दूसरी चीज़ देखूं जो सॉ मिल क्या होता है, लकड़ी काटने वाला जो आरा होता है, वहां पर आपको क्या नजर आएगा? द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, तो प्रशियन सोल्जर्स के प्रैक्टिस करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। वो कहता है ये तो मुझे ज़्यादा लालच देने वाला लग रहा था देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, उन पार्टिसिपल्स के रूल की बजाय जिनका मुझे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन वो कहते हैं आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट, लेकिन कहता है कि मेरे पास रिजिस्ट करने की शक्ति थी, अपनी इस विश को दबाने की शक्ति थी कि मैं आज स्कूल जो है ना जाऊं। कहते नहीं, मुझे स्कूल जाना चाहिए, तो इसलिए मुझे क्या लगा, आई जस्ट हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की तरफ मैं भाग चलता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जगह है जिसका नाम है टाउन हॉल। यानी कहता है कि मैं जब टाउन हॉल के पास से निकला तो वहाँ क्या था, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। कहते हैं हमारे जो बुरे समाचार वहीं से आ रहे थे। कौन से बुरे समाचार? द लोस्ट बैटल्स, कि हम हार गए हैं, द ड्राफ्ट या कोई ऐसा ऑर्डर, या द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या जो वहाँ कमांडिंग ऑफिसर हैं वो कोई ना कोई ऑर्डर उनका आ जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने सोचा विदाउट स्टॉपिंग कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, वट कैन बी द मैटर नाउ। कहते हैं कि मैं बस एक ही सोच रहा था, बात क्या बात सोच रहा था कि अब क्या मैटर हो सकता है, वाई द पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, क्या रीज़न है कि लोग इतना भीड़ जमा करके यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक बच्चा था, एक स्कूल चाइल्ड था वो। और फिर भी वो क्या कहता है, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, कहते हैं फिर मैं कोशिश तो कर रहा था कि जितनी फास्ट हो सके मैं जाऊँ। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ क्या कौन होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, उसका नाम था वॉचर। हु वॉज देयर विद इज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो भी काम सीख रहा होता है, और वो भी वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड में क्या कर रहा था, ही वॉज रीडिंग द बुलेटिन एंड कॉल्ड आफ्टर मी, उसने कहता है मुझे पीछे से आवाज़ लगाई और क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, कहते हैं बच्चे बॉय इतनी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है,
यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल जो है पूरे टाइम पर पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, कहते फिर मैं एम हैमल के गार्डन में भाग भाग के पहुंच जाता हूँ। कहते मुझे लगा कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ और इसलिए जो है मुझे भागना तो था ही। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे एम हैमल का लिटिल गार्डन, क्योंकि एम हैमल ने बड़ा अच्छा जो है गार्डन लगाया हुआ था अपना जो स्कूल क्लासरूम के बाहर। और कहते हैं कि हम उसको, फ्रेंड्स कहते हैं कि हम जो है उसको गार्डन ही मानते थे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बहुत वहाँ इंजॉय भी किया था। सो यूजली व्हेन द स्कूल बिगेन, लेकिन उस दिन उसने कुछ एक बातें नोट की, जैसे कि अक्सर जब स्कूल शुरू होता था देयर वॉज ए ग्रेट बसल, वहाँ बड़ा सारा नॉइज़ होता था विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जिसमें डेस्क के ओपन करने की क्लोज करने की आवाज़, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, या जो लेसन्स पढ़े जाते थे एक ही आवाज़ में वेरी लाउड बड़ी ऊंची आवाज़ में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और हमारे हाथ जो है हमारे कानों पे होते थे टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और फिर टीचर के रूलर की आवाज़ भी सुनाई देती थी, रैपिंग ऑन द टेबल यानी टेबल को रैप कर रहे होते जोर से। बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल, लेकिन आज सब कुछ इतना शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई सी डेस्क विदाउट बींग सीन, कहते आज तो मैंने सोचा कि काश ऐसा हो जाए कि मैं उस भीड़ का फ़ायदा उठा के जब बच्चों को बाहर देखूंगा क्लासरूम के बाहर, तो अपने टीचर के बिना नोटिस किए जो है क्लासरूम में एंटर कर जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, कहते उस दिन तो ऐसा था जैसे कि संडे मॉर्निंग होती है, सब कुछ इतना शांत। थ्रू द विंडो, फिर मैंने विंडो में से क्या देखा, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, और वो कहाँ पर थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब के सब अपनी सीट पर बैठे हुए थे। और जो एम हैमिल हैं वो क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वो अपने रूलर के साथ और जो अपनी आर्म में उन्होंने रखा हुआ था, ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। सो आई हैड टू ओपन द डोर टू गो इन बिफोर एवरीबडी, फिर कहते हैं मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे सबके सामने ही क्लास में एंटर करना पड़ा, कि चोरी छिपे तो एंटर नहीं कर पाया मैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कहते हैं आप सोच सकते हैं मैं कितना ब्लश, ब्लश क्या होता है, जैसे आपके जो चीक्स हैं एकदम से रेड हो जाते हैं, और फिर डरा हुआ भी था मैं घबराहट की वजह से कि मैं लेट भी हूँ, टीचर भी है क्लास में, बच्चे भी सारे क्लास में हैं। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कहता है कुछ हुआ नहीं। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और फिर बड़े प्यार से बोला गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने प्लेस पर जल्दी से चले जाओ, लिटिल फ्रेंड्स वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। अब क्या होता है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, कहते मैंने एक बेंच को जंप किया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, लेकिन जब थोड़ा सा मैंने अपने डर पे काबू पा लिया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, कहते ये क्या, मैंने तो नोट ही अब किया है कि टीचर ने बड़ा सुंदर अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, और साथ में उसकी जो फ्रिल्ड शर्ट है, और ये वो वाले कपड़े होते थे जो कभी उनका टीचर जो है किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनता था, जैसे कि ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हो गया, फ्रिल शर्ट हो गई, और साथ में क्या है, द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कोट भी पहना हुआ है, शर्ट भी पहनी है, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी हुई है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी पे थोड़ी सी कढ़ाई का काम हुआ हुआ है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वो सिर्फ इंस्पेक्शन डे वाले दिन पहनते थे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे। सो बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉल्म, सॉल्म क्या होता है, उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा स्कूल जो है बिल्कुल सीरियस है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, कहते हैं मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी, जब मैंने बैक बेंचेस को देखा दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, जो गांव के लोग वहाँ शांति से बैठे हुए थे, लाइक अवर सेल्स, हमारी तरह ही। और उसमें कौन कौन से लोग थे आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, जैसे ओल्ड हाउजर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट,
हाउजर जो है उसका जैसे पर्सन है उसका नाम है, और उसने तीन कॉर्नर वाली हैट पहनी हुई है, द फॉर्मर मेयर जैसे सिटी का या गांव का कोई मेयर होता है, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड, हर कोई कैसा दिख रहा था, तो हर कोई बहुत सैड था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर क्या होती है, डिक्शनरी होती है, थम्ब एट द एजेस, उसने अपने जैसे डिक्शनरी को ओपन किया हुआ है, किनारों पे उसने जो है उसको पकड़ रखा है दोनों थम से अपने अंगूठे से, और हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने स्पेक्स भी जो है उसने वहाँ पर डिक्शनरी के ऊपर रखे हुए हैं लाइंग अक्रॉस द पेजेस। सो वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, फ्रेंड्स कहते हैं मैं सब कुछ अभी सोच ही रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल एकदम से खड़े हो जाते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, जो अक्सर वो सीरियस ही आवाज में बोलते हैं, और आज उन्होंने बोला एकदम से, क्या बोला, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सिस एंड लोरेन, द न्यू मास्टर कम्स टूमोरो, सो दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो एम हेमल ने टीचर्स के लिए जो अनाउंसमेंट की वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, जो इनफैक्ट ये कहें एम हेमल ने जो बच्चों के लिए अनाउंसमेंट की बड़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, और सबसे ज़्यादा सरप्राइज किसको हुआ, फ्रेंड्स को, किस बात के लिए, क्योंकि एक ऑर्डर आ चुका था बर्लिन से, जो कि उस टाइम कह सकते हैं प्रशिया की कैपिटल होगी, कि आप लोगों को नेक्स्ट डे से, टुमारो से, जो ऑल्सिस एंड लोरेन में जितने भी स्कूल है वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है, आपकी फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो टोटली एबॉलिश कर दी जाएगी इन दो स्टेट्स के अंदर, और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब के सब लोग कैसे बैठे हैं और कैसे सुने, बिल्कुल अटेंटिव होके आपने सुनना है। सो व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स फॉर टू मी, वो कहता है कि मेरे लिए तो ये बड़े ज़्यादा जो है हैरान करने वाले शब्द थे। थंडर क्लैप क्या होता है, जैसे कोई आसमान से एकदम से गोला आता है आपका, कहते हैं ये तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता था, कहते हैं ओ माई गॉड, ओ द रेचेस, ओ ये क्या हो गया, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कहते हैं ये सारी की सारी जो टाउन हॉल में जो लोग खड़े थे, जो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे, क्या ये सब कुछ वहां से ही आया, क्या वो लोग यही पढ़ रहे थे। सो माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और कहते हैं मुझे तो अभी पता ही नहीं था कि लिखना कैसे होता है, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं नहीं जान पाऊंगा, आई मस्ट स्टॉप हे देयर, देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कहता है ओ माई गॉड, अब तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपने लेसन्स को कभी लर्न ही किया, तो मैं क्या करता था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं अक्सर बर्ड्स के एग्स जो है वो ढूंढा करता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार क्या होती है, जैसे कि जो स्लेज करने वाली जो गाड़ी होती है, कहते हैं उस पर जाया करता था, एंड माई बुक्स, और मेरी जो किताबें हैं, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल एगो, जो मेरी किताबें मेरे लिए बहुत बड़ा जो है बर्डन फील हुआ करती थी, सो हैवी टू कैरी, जो मुझे कभी कैरी करना भी मुश्किल लगता था, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, चाहे वो मेरी ग्रामर की बुक है या हिस्ट्री की बुक्स हैं जो सेंट्स को लेकर लिखी गई, संतों के बारे में हैं, दे वर ऑल फ्रेंड्स एंड नाउ दैट आई कुडन गिव अप, और मैं उनको अब छोड़ नहीं सकता था, एंड एम हेमल टू द आइडिया, अगर टीचर के बारे में कहूँ, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब टीचर को जाना तो था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कहते हैं अब मैं सब कुछ भूलने को तैयार था, कि चाहे वो कितना भी टीचर मेरे गुस्से वाला था, या कितना उसका जो रूलर उसने यूज़ किया है, कभी कभी पिटाई भी कर देते थे गुस्से में आके, लेकिन अब मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार था, क्योंकि ये मेरे टीचर का लास्ट दिन था स्कूल में। सो पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोज, अब फ्रेंड्स को अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है, कि क्यों बच्चे जो है क्लासरूम में आराम से बैठे हुए थे, क्यों एम हेमल ने अपने जो फाइन संडे क्लोज पहने हुए थे, क्यों आज टीचर इतने पोलाइटली पढ़ा रहे थे, क्यों विलेज के लोग जो है क्लासरूम में आए थे, सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या था, बिकॉज दिस वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाने वाली थी। तो अब फ्रेंड्स को अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका था, कि क्यों ओल्ड मैन जो हैं वो बैठे हुए थे वहाँ पे, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो माफ़ी मांगना चाहते थे, उनको बुरा लग रहा था, दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल नहीं गए, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स
फेथफुल सर्विसेज। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है कि एम हैमल ने वहाँ पर 40 साल की सर्विस दी है एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और उस कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे जो अब उनकी नहीं थी। सो वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, कहते मैं सब कुछ सोच ही रहा था तभी मेरी टीचर ने मेरा नाम लिया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मुझे कहा गया कि ठीक है फ्रेंड्स तुम बताओ जरा, अब पार्टिसिपल्स का टेस्ट पूछना था टीचर ने। सो वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, कहते मैं बस एक ही चीज़ चाहता था कि टीचर मुझसे पार्टिसिपल्स के रूल ना पूछे। और फिर क्या था, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, कहते हैं मैं चाहता तो था अगर मुझे आते हों तो बहुत बढ़िया है कि मैं बिल्कुल लाउड और क्लियर वॉइस से बता पाऊँ बिना किसी मिस्टेक के, लेकिन कहते हैं अभी मैं पार्टिसिपल्स के रूल जब जैसे टीचर ने पूछे फर्स्ट वर्ड में मैं कन्फ्यूज़ हो गया क्योंकि इसको आते नहीं थे, एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अब कहते हैं मेरा हार्ट बीट कर रहा था, मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं टीचर की तरफ देख सकूँ। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, कहते मैंने सुना मेरी टीचर को कहते हुए, क्या बोलते हैं वो, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लगना चाहिए, सी हाउ इट इज़, कि देखो कैसे सब कुछ होता है, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्स, हम हमेशा अपने आप को कहते रहते बाह ओ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे बहुत सारा टाइम है हमारे पास, आई लर्न इट टुमोरो, कल सीख लेंगे, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और हम देखो कहाँ पर आ गए हैं, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद ऑल्सेस, वो किस लिए, ऑल्सेस में क्या होता है, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमोरो, यहाँ पर कल के लिए सारी बातें छोड़ दी जाती हैं, एंड नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और देखो वो लोग तुम्हें कह सकते हैं क्या, हाउ इज़ इट, कि ये कैसा रहा, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम ये तो दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन ना तो तुम अपनी लैंग्वेज सीख सकते थे कभी, ना तुम बोल सकते थे, ना लिख सकते थे, तुम्हें सीखा ही नहीं कभी, यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम अकेले ऐसे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विद, कहते हैं अब देखो कई बार क्या होता है बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, और बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है कि वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विद, कि हम लोग अपने आप को जो है ना कोसते चले जाते हैं बाद में जब सिचुएशन हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्यों, दे वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, वो नहीं चाहते थे कि तुम कुछ सीखो, दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वो चाहते थे कि तुम खेतों में काम करो या मिल में काम करो, और किस पर्पज़ के लिए, सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, ताकि तुम भी उनके साथ थोड़ा हाथ बटा सको, कुछ पैसा कमा सको, एंड आई, लेकिन मेरी अगर बात करें, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ, हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वॉटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें कई बार भेजा नहीं कि तुम मेरे पौधों को जाकर पानी दो, और ये नहीं कहा कि चलो तुम लेसन लर्न करो, अक्सर मैं तुम्हें अपने काम के लिए भेजता था, एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नो जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और फिर मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया क्या, कहते मेरी भी गलती है, मैं बहुत लीनियंट रहा शुरू में, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर क्या होता है, एक बात से लेकर दूसरी बात तक जो है एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, और क्या कहते हैं, अब आपको बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इट वॉज, यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा गया है कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, ये सबसे सुंदर लैंग्वेज थी। अब आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू दिखाता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर जर्मनी है और ये ऑल्सेस और लोरेन दोनों स्टेट हैं, और देखिए बाउंड्री वॉल पे हैं, इसलिए जर्मनी का यहाँ पर कब्जा हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना इतना इजी नहीं है पेरिस तक, यहाँ तो एटलीस्ट बाउंड्री पे अक्सर ऐसा हो जाता था, कब्जा हो जाता था। तो एम हैमल किसके बारे में बात कर रहे थे, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, और वो कहते हैं इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, कहते कितनी क्लियर लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कहते हमें इसकी सुरक्षा यानी अपनी लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फोगेट इट, और हमें अपनी लैंग्वेज को कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज वेन अ पीपल आर इनसेल्ड एनस्लेव्ड, जब भी लोग कभी गुलाम होंगे ना, एक बात याद रखना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज
इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो वो इसी वजह से ऐसा होता है, जब वो अपनी लैंग्वेज को भूल जाते हैं तो समझिए उनकी जेल में जाने का रास्ता तैयार हो जाता है, यानी उनके लिए डिफ़िकल्टीज आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हमारे जो स्टेट्स के लोगों के साथ हुआ है। सो देन ही ओपन्ड अ ग्रामर। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रेंच लैंग्वेज के बाद कौन सा जो ये क्वेश्चन उसने बोला, फिर ग्रामर के बारे में डिस्कस की एंड रेड अस अवर लेसन। सो आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। कहते हैं मैं हैरान था कि मैंने कितना इजिली इसको समझा। ऑल ही सैड सीम सो ईजी। फिर एकदम से जो है ऐसा लग रहा था इतना आसान, इतना आसान। आई थिंक टू, कहते हैं मुझे लग रहा था कि कितना ईजी है। पहले इसके क्या प्रॉब्लम थी फिर? तो इससे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि फ्रेंड ने कभी भी इतना केयरफुली सुना ही नहीं था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड। और उसको लगता था कि कभी टीचर ने भी इतने प्यार से नहीं एक्सप्लेन किया होगा जैसे आज वो कर रहे थे इतने पेशेंस के साथ। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें सब कुछ देना चाहते थे जाने से पहले, टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और ऐसा लग रहा था एक ही स्ट्रोक में वो सब कुछ हमारे दिमाग में डालना चाहते थे। सो आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। तो ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन स्टार्ट होता है। एंड दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड। और वो बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग में उस पर क्या लिखा हुआ था? फ्रांस ऑलसेस, फ्रांस ऑलसेस। सो दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। और वो कॉपियाँ ऐसी लग रही थी जैसे छोटे छोटे जो फ्रेंच फ्लैग हैं वो फ्लोट कर रहे थे हर जगह इन द स्कूल रूम, और हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। जैसे ना जो डेस्क के ऊपर रोड होती है, कहते वहाँ से आप देखो तो फ्रॉम ईच एंड एवरी डायरेक्शन आपको फ्रेंच फ्लैग ही नज़र आएंगी, ऐसा लग रहा था। सो यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। लेकिन उस टाइम हर कोई काम करने में बिजी था, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, वो क्या थी? जो पेन की साउंड है पेपर के ऊपर। एंड वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इवन नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। इवन जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फ्लैश हुक्स, सॉरी फिश हुक्स। और वो बच्चे क्या काम कर रहे थे? वो ट्रेस कर रहे थे, फिश हुक्स बना रहे थे, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच। और ऐसा लग रहा था जैसे वो भी एक तरीके से फ्रेंच को ही सिंबल था, या फ्रेंच कंट्री का ही सिंबल था। सो ऑन द रूफ, तभी क्या होता है कि छत पर जो है कुछ पिजन्स की आवाज़ सुनाई देती है जो धीमी धीमी सी आवाज़ में कू की आवाज़ निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर फ्रेंड्स कहते हैं मैंने अपने आप को लेकर बोला, क्या विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? क्या वो कबूतर को भी यानी बर्ड को भी बोलेंगे कि वो भी जर्मन लैंग्वेज यूज़ करें? सो वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कहते हैं जब भी मैंने अपने टीचर को देखा जब मैं कुछ लिख रहा था, तो एम हेमल जो है सिटिंग मोशनलेस, वो बिल्कुल बिना मूवमेंट के बैठे हुए थे अपनी चेयर पे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, फिर एक एक चीज को देखते, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज को देखते, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। कि जैसे कि वो स्कूल रूम की हर एक इमेज को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे। फैंसी, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। अब देखो 40 साल जिस आदमी ने अपनी लाइफ के यहाँ पर दे दी हो, विद इज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उस विंडो के बाहर उसका जो गार्डन नजर आ रहा था, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास उसके सामने थी बिल्कुल। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वॉन स्मूथ। लेकिन एक चीज, बाकी तो सब कुछ हम कह सकते हैं नहीं बदला, लेकिन जो थोड़ा बहुत चेंजेस आया था वो डेस्क और बेंचेस में आए थे, जो थोड़े से स्मूथ हो गए थे। क्योंकि देखिए जब आप यूज़ कर लेते हैं इतने टाइम के लिए तो उनमें थोड़ा सा फर्क तो आ ही जाता है। और उसके बाद द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्रीज हैं वो अब बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज, और जो बेलों के पौधे लगाए थे वो भी क्या है, छत के साथ साथ जो विंडो पे हैं उन पे बिल्कुल आ चुकी हैं। सो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और कितना मुश्किल होता है एक आदमी के लिए अपने 40 साल दिए हुए हों और बिना रिटायरमेंट के जाना हो। देखो रिटायरमेंट होती तो एक अलग बात होती है, लेकिन हम क्या सुन सकते थे? टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। उसकी बहन जो है यानी एम हेमल की जो सिस्टर हैं वो
छत में, रूम में ऊपर थी, छत पर थी, और क्या कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स। वो उनके जो ट्रंक्स हैं उनको पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। उनको नेक्स्ट डे जो है छोड़कर जाना था यहाँ से। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन एम हैमल की ये खास बात थी कि वो हर लेसन को बड़े ध्यान से सुनते थे। सो आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। कहते हैं कि देखो एक काम हुआ, ऐसा नहीं है कि कल जाना है तो चलो क्लास ओवर करो और जाओ, नहीं। एक लेसन के बाद, कहते हैं हमारा जो लेसन है राइटिंग के बाद, वो कौन सा था, अ लेसन इन हिस्ट्री। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बोबू। और उधर क्या था, जो डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। और जो ओल्ड हाउजर वहाँ पे, जो कि एक विलेजर थे वहाँ आए हुए थे, उन्होंने अपने स्पेक्स लगाए एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी डिक्शनरी, प्राइमर क्या होती है, डिक्शनरी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। ही स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। वो उनके साथ साथ लेटर्स को पढ़ रहे थे। सो यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। कहते वो रो भी रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। उसकी आवाज़ जो है यानी थोड़ी इमोशन से भरी हुई थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। कहता कि ये मुझे एक पल के लिए तो फनी सा भी लगा, मैं हंसना भी चाहता था, रोना भी चाहता था। ओह हाउ वेल आई रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन। तो फ्रेंड्स कहते हैं मैं इस लेसन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी चर्च क्लॉक ने 12 o'clock का टाइम स्ट्रक किया। तो देन द एंजलस, तभी एकदम से, जैसे कहते हैं ना, गॉड का नाम लिया कि अच्छा अब तो कुछ होने वाला है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स क्या, बड़े बड़े जो नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है, प्रशियंस की, वो सुनाई दिए, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, क्योंकि वो अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ से वो वापस आ रहे थे, वो सुनाई दिए हमें अंडर आवर विंडोज़। एम हैमल स्टूड अप। एम हैमल खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल, उनका फेस बिल्कुल पीला हो चुका था, टेंशन लगा लीजिए, टेंशन की वजह से, और अपनी चेयर के पास ही थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और मुझे एक पल के लिए लगा वो बहुत ज़्यादा टॉल हो गए थे या टॉल लग रहे थे वो। क्या बोलते हैं वो, माई फ्रेंड्स सैड ही आई, बट समथिंग चॉक्ड हिम। लेकिन तभी किसी चीज़ ने उनका गला रोका। ही कुड नॉट गो ऑन। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चॉक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के उन्होंने क्या लिख दिया, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। और बड़े से बड़े शब्दों में जितना भी वो लिख सकते थे, क्या लिखा, वाइविला फ्रांस। वाइविला फ्रांस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस। एंड देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। तब उन्होंने, वो रुक जाते हैं और अपना हेड जो है अगेंस्ट यानी वॉल के साथ लगाया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। और उन्होंने अपने हाथों के साथ एक जेस्चर किया थोड़ा सा, और हमें किस चीज़ का इशारा था वो, कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल जो है डिसमिस हो चुका है, आप जा सकते हैं। और ये बोर्ड में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि हाउ डिड ही डिस्पर्स द क्लास, तो यहाँ ये वाला आंसर आ जाता है बच्चों आपका, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। सो इन दिस वे द स्टोरी कम्स टू एन एंड। आई होप सो दिस एक्सप्लेनेशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। और साथ में ये भी कहूँगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर थैंक यू वेरी मच, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैव वेरी नाइस डे।